हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा और हम सीख रहे हैं फ्री ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, जिसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा है सरफेस ऑर्नामेंटेशन। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सारे बच्चे अपना जो इंस्टा पर मुझसे एवेल्यूट करा रहे हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके नाम मैंने लिखे हैं आज और आप बताना चाह रही हूँ। जैन, ताहिर, शिवानी शेट्टी ने तो बहुत अच्छा वर्क किया है, नवदीप ने, जैन, ताहिर, शिवानी शेट्टी, कुछ नाम मैं आपके सामने लेना चाह रही हूँ जिन बच्चों ने बहुत अच्छे वर्क किए हैं, जैसे जैन, ताहिर, शिवानी शेट्टी, नवदीप, उनका वर्क भी मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया है। रीना विश्वास ने तो बहुत अच्छे से, उन्होंने तो पूरा जो नील और केरोसिन ऑयल यूज़ किया है, इंडिगो यूज़ किया है, उसको भी रख करके पिक सेंड मुझे सेंड की, मैंने उसको भी इंस्टा पे पोस्ट किया हुआ, आप देख सकते हैं। रीना विश्वास, गुड गर्ल, गुड वर्क। चीपा शाहिन बहुत ही डिटरमिंड लड़की है और मैम मुझे तो करना है, आई विल डू हार्ड वर्क, यस मैम पूरी मेहनत से वर्क कर लूँगी। चीपा शाहिन ग्रेट, ऐसे ही डिटरमिंड रहना हमेशा। आकांक्षा राव, दया रानी, दया रानी योर वर्क इज़ वेरी गुड। श्वेता सिंह, सुनीता सिंह, सालेहा मोबीन बहुत अच्छा वर्क है। एंड आराधना सिंह, निशा, पूजा शर्मा एंड लाइवा खान, इनके वर्क बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। और निशा जिन्होंने बड़ा अच्छा सा अपना प्राइमरी कलर का इलस्ट्रेशन किया है, मैंने उनका भी जो है अपना इलस्ट्रेशन डाला है अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर। और इसी नेम्स में हमारे चैनल को कुछ मेंबर्स ने स्पेशल फैसिलिटीज़ के लिए ज्वाइन किया है, जिसमें गोपी ने ज्वाइन किया है, शाहिना, अनन्या, अदीबा एंड रश्मि, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू निशात मिर्ज़ा प्लेटफॉर्म्स। तो आपका वेलकम है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको दी जाएंगी और जल्दी आपके लिए एक वीडियो बना करके अपलोड कर रही हूँ, उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। और सारे अपडेट्स पहले आप तक जाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट स्पेशली आपके लिए होगी जो मेंबर्स हैं। और यूट्यूब मेंबरशिप के लिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, यूट्यूब मेंबरशिप के लिए मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी, जो भी बच्चे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है, आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जो मेंबरशिप फ़ी है ओनली 89 रुपीस है, जिसका अमाउंट हमारे पास नहीं आएगा, वो सीधा YouTube ऑफिस ही जाता है। उसके जो मोड्स दिए हुए हैं, सिलेक्टेड मोड्स हैं, जैसे डेबिट कार्ड्स मोड है एंड आपके मास्टर कार्ड्स, ये सारा जो है ये उन्हीं का रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप बट हम इतना कर सकते हैं, हम आपके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है, दिस इज योर चॉइस, अप टू, इट्स अप टू यू कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रेशर नहीं है, ये इट्स अप टू यू। और जो भी फैसिलिटीज हैं, जो अपडेट्स हैं, पहले हमारे मेंबर्स के ही लिए होंगे और मेंबर्स के लिए स्पेशली उनको जब लाइव चैट होती है तो उनका अलग से ही दिखाई पड़ता है, आप लोग ने देखा भी होगा, कुछ स्टिकर्स हमने प्रोवाइड कराए हैं उनके लिए, कुछ अपडेट्स हैं और बहुत सारे वीडियोस के लिंक हम उन्हीं को अपडेट करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहना मैम पेटीएम मोड करा दीजिए, आई थिंक पेटीएम मोड की फैसिलिटीज़ यूट्यूब में अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही होगा स्टार्ट तो आप तक अपडेट पहुंच जाएंगे। बट कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं तो मैं बोल करके उसका आंसर देना चाहती हूँ, मैं लिखने में थोड़ा सा लेजी हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ, मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, तो जैसे भी मुझसे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो वो मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, मुझे अपना क्वेश्चंस पुट अप करें, देन आई गिव योर आंसर, ओके। तो ये तो रही इसकी बात। और इंस्टा अकाउंट नहीं है, क्यों नहीं है, सोशल वर्क जो आपका सोशल मीडिया है क्यों नहीं है, फेसबुक नहीं है, इंस्टा नहीं है, व्हाट्सएप नंबर मैं नहीं किसी को प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है मैं अपना व्हाट्सएप नंबर किसी को दे सकूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, इंस्टा अकाउंट घर में किसी का भी हो, मॉम का हो, डैड का हो, ब्रदर का हो, सिस्टर का हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप बता दीजिए कि हम आपका नाम ये है और हम अपने मॉम का इंस्टा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। और आप मत अपने फोटोज अपलोड कीजिए, ओनली पढ़ाई कीजिए। और मैं क्योंकि सारा का सारा वर्क अब इंस्टा पे ही एवेल्यूट करूँगी और लिंक ओपन नहीं होएगा, और जितना से सिर्फ 15 तक का ही वर्क जो है इलस्ट्रेशन का वही एवेल्यूट किया जाएगा,
और जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो क्लास 1 से स्टार्ट कीजिए, क्लास 15 तक का वर्क कंप्लीट करके मुझे इंस्टा पे एवल्यूट करा सकते हैं। ओके, अब रही बात सर्टिफिकेट की, वो सर्टिफिकेट सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है जो आपको 45 डेज के जो क्लासेस हैं ओवर होने के बाद प्रोवाइड करा जाएगा, और आपके वर्क को इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी और सारे वीडियोस जो हैं इंस्टा पर ही जाएंगे। ये यूट्यूब को मैं अननेसेसरी यूज़ नहीं कर रही हूँ, इट्स क्लासरूम की तरीके से मैं इंटर ले रही हूँ, यहाँ सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ और जब मुझे अपना वर्क एवल्यूट करना होगा तो मैं इंस्टा पे करती हूँ, बहुत ईजी प्रोसेस है। सो गाइज डोंट बी पैनिक और ज्वाइन कीजिए और सीखिए, और ये प्लेटफॉर्म सीखने के लिए है, ये कोई डिग्री या फिर इस तरीके की चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा रही हूँ, ये आपका टाइम का यूटिलाइज हो रहा है, आप सीखते रहिए। गाइस आज हम आपको दूसरा नेकलाइन बनाना बताएंगे, लास्ट वाले नेकलाइन में हमने वी शेप लिया था, इसमें हम यू शेप ले रहे हैं। ओके, या स्वीट हार्ट नेक लेते हैं, इसमें हम स्वीट हार्ट नेक को डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें जो है उसको किस तरीके से एम्फेसाइज किया जाए, उस नेक को किस तरीके से प्रीटी बनाया जाए वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ डिफरेंट टाइप के मैंने क्या किया है, जो जिसको लटकन बोलते हैं आप, लटेक्स बोलते हैं जो होते हैं, उसको हम बनाएंगे। देखिए ये वाला थ्रेड यूज़ करके छोटे छोटे से 1 इंच के इस तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ, और काथा वर्क करके सीधा वाला बखिया जो है काथा वर्क करके उसको सुई से लगा देना है, तो हमारा जो नेकलाइन है वो बहुत एम्फेसाइज हो जाएगा। पहले हम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम उसको अपना इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो हमने नेकलाइन के लिए देखिए ये वाला हमने बताया था आपको, ये 3 इंचेस की दूरी से यहाँ से लेना है नेकलाइन और 3.5 से हमें स्टार्ट करना है, और ये हमारा 6 इंच पर अगर नेक है तो इसको हम यहाँ पे हमारी ये इसकी डेप्थ रहेगी। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, स्वीट हार्ट नेक के लिए तैयार करते हैं। इसमें हम बनाने वाले हैं स्वीट हार्ट नेक, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, और देखिए इस तरीके से लिया और ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ से ड्रॉ होता है ये, ठीक है, ये यहाँ ड्रॉ किया हमने। अब हम क्या करेंगे इसमें पूरा, ये हमें वर्क चाहिए, यहाँ से हमें वर्क चाहिए, ठीक है, इसमें यहाँ देखिए। अब मैं इसको, ठीक है गाइस, ये हमारा वर्क यहाँ इस तरीके से जाएगा, ये हमारा स्वीट हार्ट नेक हमें मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तक ये वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ जाएगा, देखिए ये नेकलाइन से थोड़ा और हम इसको बड़ा लेंगे, पूरा का पूरा ये, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से हमने ये यहाँ पूरा ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से जाना है। ये हमारी नेकलाइन है, ये बहुत इजी है, नेकलाइन हमारा इधर शो हो रहा है, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं रेड कलर जो कॉपी बहुत अच्छे से शाइनिंग करता है। ओनली 1 कलर के यूज़ से हम ये अपना डिज़ाइन यहाँ शो करेंगे, इस तरीके से हमें लेना है, ठीक है गाइस? ये देखिए यहाँ हमें इस तरीके से पूरा बनाते हुए जाना है, ठीक है, ये देखिए ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और ये ऐसे, ये और ओके गाइस, देखिए ये वाला जो नेकलाइन हमने तैयार किया है इसमें हम लॉन्ग स्टिच करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं कच्चा टाँका लॉन्ग स्टिच, ठीक है, ये लॉन्ग स्टिच इसमें किया जाएगा, ये थोड़ा मोटा रहेगा,
इसको मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसे किया जाएगा। ये ऐसे बनाना है आपको, थोड़ा मोटा फोर्थ फोल्ड या सिक्स फोल्ड करके धागे को थोड़ा मोटा बनाएंगे, और उससे फिर कच्चा टाँका जिसे बोलते हैं लॉन्ग स्टिच ले करके इस तरीके से पूरे में बना करके लॉन्ग स्टिच को बना देंगे पूरे में। पहले लॉन्ग स्टिच कर देंगे इस तरीके से, ये कल मैं आपको पूरा डिज़ाइन करके बताऊंगी। और उसके बाद में इसी कलर के धागे को लेकर के, सेम ऐसा ये धागा लेकर के उसको फिंगर पे लपेट करके उसको लटकन बनानी है। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इसी के साथ में यहाँ वर्क कर देंगे। ये हमारा बहुत प्रिटी वर्क लगेगा, बहुत प्यारा नेकलाइन, एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन तैयार हो जाएगा। जो लोग समझ गए होंगे आई थिंक वो कल बना भी लेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आता है बनाना, मैं कल के ब्लॉग में आपको अच्छे से पूरा बनाना बताऊंगी किस तरीके से बनाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आपने देखा होगा ड्रेसेस में जो ये लटकन रेशम वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसको हम कल बनाना सीखेंगे। और आप कोई भी कलर ले लीजिएगा, सिंगल कलर से करना है। डार्क कलर का अगर आपका सरफेस है, यानी कपड़ा आपका फैब्रिक जो है डार्क कलर का है, तो आपका जो कलर है वो लाइट होना चाहिए, ध्यान रहे। और अगर आपका सरफेस लाइट है तो आप यूज़ करेंगे कलर डार्क कलर, ओके। तो इस तरीके से ये आपका तैयार होगा। अब ये इसको कैसे, इसको ये वाली जो फ्रिंजिंग्स मैंने की हैं, जो लटकन्स बनाए हैं, किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, ये आप और देख लीजिए मैंने किस तरीके से इनको बनाया है। मैंने क्या किया है, पहले इस ऊपर वाली लाइन में दो छोड़ करके यहाँ दो लगाए हैं, फिर इसमें तीन लगाए हैं, इसमें हमने पांच लगाए हैं, और इसमें खुद ही क्वांटिटी बढ़ती चली गई, ठीक है। पांच इसमें दिए हैं, फाइव, और इसको इसमें पहले हम टू लाइंस हम छोड़ देंगे, ऊपर नीचे इस तरीके से आएंगे, और ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये लटके रहेंगे और बहुत सुंदर दिखेंगे ये, जब आप बना लेंगे ना, इट्स लुक वेरी प्रीटी। ओके गाइस, तो ये वर्क आपका असाइनमेंट है। आप इस तरीके से पहले मुझे डिज़ाइन करके भेजिए, एक यहाँ पे लगा देंगे, ये नेकलाइन से बाहर जाएगा, इतना चौड़ा वर्क हमें करना है। ओके गाइस, ये पूरा पैनल सामने फ्रंट पर आएगा, बहुत प्रीटी वर्क लगना है ये आपका। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको भी बनाना है। ये टू लाइंस यहाँ पे जो हमने जो लॉन्ग स्टिच के लिए है ना, टू लाइंस हम छोड़ देंगे, और ये बहुत प्रीटी लगेगा, सबसे सुंदर आई थिंक, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, लॉन्ग लॉन्ग स्टिच, ठीक है। यहाँ पे बस एंड देन हो गया, ये आपका पूरा वर्क यहाँ पर आपको साइन करना है। ये डिज़ाइन मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, ये आपका बनाना है, तैयार करना है अच्छे से। और ये मैं आपको बनाना कल इसको बताऊंगी। आज मैंने डिज़ाइन किया है, ड्रॉ किया है, लॉन्ग स्टिच है ये, इसको इस तरीके से हम डिज़ाइन में ऐसे शो करेंगे, आप लोग सीखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो आज हमने जो ड्रॉ किया है स्वीट हार्ट नेक को ड्रॉ किया है, और उसमें ये इस तरीके से लेटेक्स एंड लॉन्ग स्टिच को इस तरीके से हमने लिया है, रेड कलर लिया है, जिससे ये ब्राइटनेस इसमें दिखे, क्योंकि हमारा जो कलर जो वाइट है सरफेस का, इसलिए हमने डार्क कलर लिया, या आप ब्लैक भी ले सकते हैं। ओके, ब्लैक ब्लू सिंगल कलर इसमें यूज़ होगा, डोंट यूज़ टू कलर, इट्स यूज़ ओनली वन कलर, रेड कलर यूज़ करेंगे। कल मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी किस तरीके से, कितने टाइम इसको, और कितना साइज़ का होगा, इसमें कहाँ पर हम मोती यूज़ करेंगे, और कहाँ पर हम इसमें रेशम यूज़ करेंगे, कहाँ पे थ्रेड यूज़ होगा, कहाँ पे लॉन्ग स्टिच यूज़ होगी। क्योंकि आज के ब्लॉग में अगर मैंने इसको शुरू किया तो 45 मिनट का पूरा ब्लॉग चला जाएगा, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मेरी क्लास में इतनी देर बैठे। तो मैं इसको कल अपलोड करूँगी, कल का वर्क है ये, आज ये पहले कंप्लीट करिए, कल आप दूसरा वर्क सीखिएगा। ओके गाइज,
तो अपना वर्क में लगे रहिए। कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं, 10 लोग ये ना करो वो ना करो ये करो वो करो, बट कहते हैं ना जब लोग बाग अपने किसी काम को आगे बढ़ाते हैं ना, 10 लोग उनको पीछे से टांग खींचने वाले चले आते हैं, क्योंकि कोई किसी को देख के खुश नहीं होता है। तो इसलिए किसी की बातों में मत आइए, आपको जो सही लगे। जो कहते हैं कि पहली आवाज़, दिल की पहली आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है, यानी दिल ने जो कहा वो पहला, वो खुदा की आवाज़ होती है। तो उस जो आपका दिल गवारा करे वो कहिए, वो करिए। जो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ पढ़ाई करना, मेरे साथ स्टडी करना, तो आप पढ़ाई करिए। अदरवाइज़ अगर आपको ज़रा भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है कि मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही है, मैम कुछ इस तरीके से हैं, तो आप मत पढ़िए। क्योंकि वो काम करिए जिसके लिए आपका दिल गवारा करे, जिसके लिए आपका दिल कहता है हाँ हमें करना है, हमें मैम के साथ मिलके पढ़ाई करनी है और हमें यहाँ पे कुछ फ़ायदा है, तो आप आइए, सबका वेलकम है। अदरवाइज अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ में पढ़ाई करने से नुकसान पे नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं आपको, तो प्लीज़ मत पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं है। दिल में डाउट और दिमाग, दिल के साथ में दिमाग अगर चलाएंगे ना, दिमाग तो बहुत जगह ले जाएगा, फिर कुछ भी सही नहीं है, फिर तो आप कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ गलत है। तो बी पॉजिटिव, ओके गाइज, बी पॉजिटिव। ये सही नहीं है, ये गलत है, वो सही नहीं है, वो गलत है। आपको, आप खुद अपने लिए सही और गलत का फैसला आप खुद ले सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्या सही है क्या गलत है इस चक्कर में मत पड़िए। स्टडी एंड मोर स्टडी, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, अपनी लाइन पे लगे रहिए, सीखिए, सिखाते रहिए, दिल साफ रखिए, किसी के लिए दिल में शुभा मत पालिए। बिना वजह कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके की चीज़ों का, अननेसेसरी डाउट एंड कुछ भी ऐसा क्रिएट करने का। आप बी पॉजिटिव और पढ़ते रहिए, अच्छा होगा सब। बी हैप्पी और कल के लिए तैयारी, फिर तैयार रहिए।